तो या तो मैं उसको पहले ही पीट देता। वो एक्सपोज वाले भैया थोड़ा बच रहे ना। ब्लैक्स का क्या सीन, मर्जी से पूछो। स्लॉटचर्स तेरे नियो को कॉल कर दिया था। वो एक खिलाड़ी को तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं, एक खिलाड़ी आया बाहर के साइड पे। आज आप कह सकते हैं कि स्काउट का दिन तो नहीं था, इतने सारे नॉक्स। हाँ तो मसाले पे आते हैं, मतलब देखो है हमारा घर का बंदा, बट उसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। बात क्यों करनी चाहिए? क्योंकि शायद उसको भी थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए, है ना। मैं ये कभी भी ऐसा मैं वो नहीं कर रहा कुछ भी, शायद के अपना बंदा है, मैं उसके बारे में ऐसा बात कर रहा हूँ, या है ना कि जिसके साथ हम लोग सब काम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। मेरे को पता नहीं था, यू नो, हो सकता है मेरे को इस चीज की इसके बाद मेरे को काफी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सही और गलत में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देयर वाज अ पर्सन जो एक टीम को बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहा था, बहुत ज्यादा डिफेंड मतलब फुल डिफेंड कर रहा था, और तब बहुत सारे लोग उसके लिए प्रूफ्स भी लेके आ रहे थे। होप सो क्राफ्टन भी गलत हो सकता है ना, तो वो आई डोंट नो के इंटरनल रीजन क्या था। होप वो बंदे गलत हो या वो बंदा गलत हो, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से किसी को डिफेंड करना किसी के किसी बुरी चीज के लिए, मतलब कुछ तो देखो, कुछ ना कुछ तो लेफ्ट राइट था। बट अभी जस्ट मैंने क्राफ्टन का पोस्ट देखा ना, तो मैं एक दिन छोड़ दिया। बट जब मेरे को ना, मेरे को एक दो मतलब अब लोग क्या करते हैं ना कि कुछ मसाला होता है तो उसकी स्टोरी टैग सब स्ट्रीमर्स को करते हैं, बट जब मैंने वो मसाला देखा फिर मैंने सोचा कि यार गलत है। सो गाइस कॉन्टेक्स्ट ये है कि हैकर्स को सपोर्ट करना गलत है, चाहे वो अपना भाई हो, चाहे वो अपना कलीग हो, चाहे वो अपना साथ काम करता हो, है ना। एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, एज अ कॉम्पिटिटर, वो बहुत गलत है। आई डोंट नो कि उसको पता था कि नहीं, बट अगर ऐसा समझ लो, इफ अगर ये चीज मेरी टीम में हुई होती या मैं जिसको गाइड कर रहा हूँ अगर उसमें हुई होती, तो या तो मैं उसको पहले ही पीट देता जबकि मुझे पहले से पता था, या अगर जब मुझे पता चलता मैं तब पीट देता कि यार तू क्या कर रहा है, तू बहनचोद माहौल खराब कर रहा था। आई होप यू गाइस गॉट इट। टीम मेगा स्टार मैं बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है यार, कुछ भी है कुछ भी है। मतलब गलत लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा गलत। टूटू मैनेजर सपोर्टर भैया जल्दी खुद ही एक्सपोज होने वाले है, हम कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे, देखते जाओ कैसे। क्यों हमारे से हमको कुछ खबरें मिली है गाइस एक्सपोज वाले भैया के बारे में। अभी हम लोग सब चुप है, थोड़े दिन में देखते जाओ ये सारी गेम्स जो खेल रहे हैं ना सब, जो कुछ कुछ बोल रहे हैं। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, बट जो डर्टी गेम्स चल रही है ना, इसलिए पूरा SATL शांत है। ये डर्टी गेम्स जिस दिन आप लोगों के सामने आएगी ना, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही आप लोगों ने हमारे को गोहान के टाइम पे गालियाँ दी थी, ऐसे अभी दे रहे हैं। बट लेट द डर्टी गेम्स कम इन फ्रंट ऑफ यू, जब सारी डॉट्स रिलेट करोगे तो समझ जाओगे ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बस चंद दिनों की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप क्यों रिप्लाई देते हो? मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया अक्षय भाई, कुछ बोलते हैं बाकियों का वीक निकल जाता है, हमें सजेशन आते रहते हैं। अरे मैं कुछ रिप्लाई थोड़ी दिया, मैं तो सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ खाली ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें मालूम है। अच्छा आप तुम लोग एक चीज़ देखोगे, SATL का कोई भी क्रिएटर, कोई भी SATL का मेम्बर, मतलब मुझे, मैं आजकल सिड का देख नहीं रहा, बट मैंने हाईलाइट्स वाले भी अनइंटरेस्टेड कर रखे हैं सारे, नॉट रिकमेंडेड। तब से मेरी लाइफ बहुत ईजी और अच्छी हो गई है। तो ऑनेस्टली मतलब SATL का कोई भी क्रिएटर कभी घुसते हुए देखा पचड़ों में, क्या कर रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स प्लेयर कर रहे हैं आजकल? मैन तो और इसके CCO को काम धंधा तो है नहीं खुद है। पहले क्या है, और को अपनी और कोई गाली दे दो, फिर अपनी और कोई गाली दे के फिर उसी को जाके सिंपथी लेने के लिए फिर वहीं पे ही उनको डिफेंड करना शुरू कर दो, फिर दूसरे को बदनाम करना शुरू कर दो, फिर मतलब चल क्या रहा है वो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो हमें तो सब खिचड़ी सी दिखती है, तो हम लोग इसलिए खिचड़ी से दूर ही रहते हैं। ब्लैक्स का क्या सीन, मर्जी से पूछो। गाइस एक स्टोरी डाला था मैंने, हमारे बंदों को देखा आपने, हम ट्राई आउट ले रहे थे। इंग्लिश में कुछ डाला तूने? सब आते हैं, पांच बार सब आते हैं, सब आना है क्या मास्टर फैम में? सब अपना कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, अपने चैनल के कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पे, अपने रूटर पे, और कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा। तो तुम लोग भी मेरी चैट पे आके इतने दिन बाद आए, तो मत करो ना बेकार की बातें, मजे करो, बातें करो। बहुत सारी चीजें, बस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, और मैं अगर आज क्वालिफाई नहीं होता कुछ लोगों की वीडियोस नहीं आती,
बट क्वालिफाई हुए करके तब वीडियो ऑलरेडी रेडी थी, तुरंत लाइव गई। वो सब चीजें भाई लोग सब लीगल काम चल रहा था, लीगल 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 खेलने दो, जहाँ पे लीगल इन्वॉल्वमेंट होती है वह हमें बहुत मजा आता है, बट हम वहाँ पे खुद कुछ बोलेंगे नहीं, रीजन लीगल हमसे बहुत ऊपर है। और चीजें जब वहां तक जाती है हेडक्वार्टर तक, तो वहां पे चीजें वहां पे ही सॉल्व होगी, तो उस डिपार्टमेंट में हम लोग को कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, लोगों को जो करना है करने दो, आपको कुछ दिनों में रिजल्ट्स मिल जाएगा। आई थिंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपने देखा था, पहले भी एक ऐसा बंदा आया था जिसका नाम था साइरस, आप उसका देख सकते हो, ही हैज चेंज्ड अ लॉट विद टाइम। सो कुछ लोग भी विद टाइम अच्छी अच्छी चीजों के साथ चेंज कर लेंगे। यही बात लोग जो बोलते हैं स्लॉट्स, मैं देखा स्लॉट्स स्पैम हो रहा था कुछ जगह पे, क्या मतलब, आई डोंट नो ये एजेंडा कहाँ से बनाते हैं। और तुम प्लीज ऐसे चूतों को बिलीव मत करो, रीजन की ऐसे लोग क्या करते हैं ना भाई, आपके गंदे एक फैन बेस के कंधे पे बंदूक रखे चलाने की ट्राई कर रहे, यही लोग आपके फैन बेस के कुछ क्रिएटर्स को गालियां दे रहे थे कुछ महीनों पहले, और यही लोग आज हम पे आ गए। तो इनको क्या है कि लास्ट टाइम जब क्या हुआ था, जब किसी और फैन बेस को गाली दिलवा रहा था बंदा, तो उसमें हमारा फैन बेस यूज किया गया था उन्हें गाली देने के लिए, अब क्या कर रहे हो हमें देने के लिए उनका फैन बेस यूज किया जा रहा है। तो ये सब चूती है, इनसे कुछ कुछ लॉजिक वाली बात नहीं इनकी। और जो इनवाइट है भाई, हमें मेल पे आया, हमें भी नहीं पता था कि हमें मेल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब बहुत सारे लोग है जिनको मेल नहीं आया, उनके लिए हम लोग खुद को खराब लगता है, क्या कर सकते हैं। अब किस क्राइटेरिया में मेल आता है, मेल आता है हम अपना गेम खेल के हम आगे दे देते हैं, उसके बाद मेल आ जाता है, बस वही चीज, वो सिंपल है, सबको चलता है, हमें साथ भी ऐसे ही हुआ है चीज़। और हम दूसरी चीज जो क्लैरिफाई कर लेते हैं, टारगेट वाली चीज, मैं था नहीं अवेलेबल तो मैंने बोल नहीं पाया था भाई। टारगेट वाला चीज को लेके मैं यही चीज बोलूंगा भाई कि कोई भी टीम टॉप थ्री में हो, उसको कोई भी टीम पर्पसली जाके पोक कर सकती है, टारगेट कर सकती है। सेकेंड चीज मेरी बात, तो भाई मैंने उस दिन दो मैचेस खेले थे, दोनों मैचेस में मेरा सोल से क्लैश हो गया, तो इसका मैंने सोल को थोड़ी टारगेट किया यार। अब आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, सोल वाले अपने भाई बंधु है, गॉड लेवल से बातचीत नहीं होती, बट गॉड लेवल वाले के लिए रेस्पेक्ट है, तो हम ये सब चीजें नहीं करते। अगर आप नोटिस करोगे कि एक, मैं आपको मैच भी दिखा सकता हूँ, हम जिसमें मैं खेला था, हम लोग रोटेशन कर रहे थे, सोल को हम घुस गए, सोल के हमने दो बंदे मार, सोल के हमने पूरे बंदे मार दिए और हमारे दो बंदे मर गए, और गॉडली ने थर्ड पार्टी कर दी, इसका मतलब सोल वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं यार। तो बहुत सिंपल चीज है यार, ये गेम का पार्ट को गेम में खत्म कर दिया करो, कोई टारगेट वारगेट की बात नहीं है। रही बात नियो की कुछ स्टेटमेंट्स की, मैं सारी चीज क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैंने पर्सनली नियो को कॉल कर दिया था, मैं उसको बोलता भाई कुछ दिक्कत है तो बता दिया, बोले यार स्काउट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, एक जेनरिक वे मैंने बात की थी कि कोई टॉप पे होता है तो अगर टारगेट होता है उसको अच्छा नहीं लगता है, विच इज कम्प्लीटली राइट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, तो वो चीज होती रहती है। तो उसने ये स्टेटमेंट दिया, लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया था, एंड दिस इज इट जो मेरे को एड्रेस करना था चीजों को लेकर। नियो पर्पसली स्प्रेड सेट, मैंने उसको उस बंदे को मैंने पर्सनली फोन करके बोल दिया, देखो हम लोग का कुछ लेना देना है नहीं, बट अगर अब मैं समझ गया कुछ चीज ऐसे मेरे को सुनाई देती है, मैं सीधा बंदे को कॉल कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि भाई मुझे नहीं पसंद है, तूने जो बोला है मेरे को अच्छा नहीं लगा, खत्म बात। सेम चीज मैंने रोस्टिंग गुरु से भी मैंने रिसेंटली बात की, मैंने बोला कि यार तुम जो वीडियो डाली अच्छा कंटेंट लिया, बट क्या है ना लोग उसको गलत वे में ले रहे हैं और इसे इंस्टिगेट हो रहा है हेट। रोस्टिंग गुरु ने एक सेकंड में वीडियो डिलीट कर दी ब्रो, दैट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बस बहुत सिंपल है यार। तो मैं आपको वही बोलूंगा, आप लोग ट्रिगर मत हो किसी और बंदे थर्ड पर्सन के चलते, आप किसी फैन बेस को फॉलो करते हो उसको फॉलो करो, प्यार दो, दूसरे फैन बेस आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद है, ऑल गुड, आप हेट कर सकते हो, बट किसी लॉजिकल पॉइंट से लेकर बात करो, क्योंकि 10 लोग 10 से बोलेंगे, आप उनसे इंस्टिगेट होके है ना, आप उनकी काम इजी कर रहे हो, वो आपके कंधे पे बंदूक रखे चलाने वाले। और हमारे जो पायलट है स्काउट ओपी, वो भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि उनमें अभी भी बहुत सारा दम है, टॉप प्लेयर जो यहाँ पे अपने आप पे, लेकिन सिर्फ स्पैश डैमेज से काम चलेगा। लेकिन इसी बीच टीम जीरो की तरफ एक अच्छी खासी फाइट आती हुई, टीम जीरो के एडी ने वहां पे डाउन किया गया है, उनके द्वारा एक और फाइट देखने को मिल रही है। दक्ष ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लेम है ऊपर की तरफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, दक्ष शॉट लेने की कोशिश, एंड देयर वी गो, ही इज गोना गेट अनदर नॉक इन द पॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था दक्ष की तरफ से, करिश्मा ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी काफी फ्लैग्स उनके पास। उधर टीम जीरो, एक टीम का सफाया किया, दूसरी टीम को स्पॉट किया, वो नेट्स अभी भी जाते हुए, एडी देखिए गाड़ी चला के ट्राई बाय करने की कोशिश, सैयद पीछे से कवर देते हुए, और ये जरूर एक बैक स्टेप सिनेरियो बना सकते हैं टीम जीरो के लिए। एडी उनको डाउन किया जाएगा, देखने वाली बात है कौन है वो प्लेयर जिन्होंने डाउन किया यहाँ पे एडी को, और बाकी जगह भी बहुत। एचआर फिशी को डाउन कर दिया गया है, राइट ऑफ द बैट कंफर्मेशन भी वहां पे देखने को मिला, लेकिन जीरो दक्ष भी यहाँ पे खत्म होते नजर आए, स्काउट खत्म, सैयद खत्म, टीम जीरो का सफाया इस एंगल के मैच से। इस्मा के प्लेयर जोन के बाहर है, उधर से प्लेयर यहाँ पे मौका पूरा एक अच्छा और टॉप एंगल बना के लेवल जरूर स्प्रे डाउन करते हुए, तो प्लेयर्स को वहां पे डाउन किया जाएगा शानदार तरीके से, कोकू का भी सपोर्ट वहां पे, ये कमाल का प्रदर्शन सिंसेयर की तरफ से। आप फिनिशेस तो देखिए, 10 फिनिशेस ये टीम उठाया है, तो सिंसेयर ने उठाया है, बट एसीबीसी माइकल लास्ट मैन स्टैंडिंग इट सीम्स,
होल्ड कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे क्लच कर सकते हैं एक एकेएम के सामने डीबीएस का मुकाबला। बट डीबीएस जब आती है तो डीबीएस बस छाती है और ड्राई बाय के साथ लेवल गिराया उनको भी जाएगा। बट गोकू ही इज देयर, बहुत शानदार तरीके से डीबीएस से नॉक निकाला अपने प्लेयर को, क्या रिवाइव कर पाएंगे? जी नहीं, रैंडम स्प्रेस के चलते उनको भी डाउन किया जाएगा। बट सर has come very close to the chicken dinner. एक नॉक निकालते हुए अकेन नजर आ रहे हैं। इनसो के बचे हुए खिलाड़ी की इन्फो जरूर थी, लेकिन ये डैनी का शॉट अकेन को डाउन करेगा। अभी भी उनके पास जोन का एडवांटेज हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए ड्राइव बाय उनकी शुरुआत हो चुकी है। इनसो के डैनी आए, इनसो के डैनी छाए, इनसो अब अलग लेवल की ड्राइव बाय देखने को मिलते हैं। केवल एक प्लेयर गोकू नामक दूरी है और चलिए ये रिवाइवल का फायदा जरूर होगा। आखिरी में सामने से गोकू बढ़ते हुए और गोकू को एलिमिनेट कर दिया है। पहला नाम देखने को मिलेगा टीम सिंसियर की। कितने शून्य देखने को मिल रहे हैं और ज्यादा बढ़िया खेल कर गए और वहीं से करी जाएगी। आप पर जा चुके हैं और देखना ये कि यहाँ से फायदा सबसे ज्यादा कौन निकाल सकता है। जिगल वो बहुत ज्यादा बाहर आ गए, हालांकि वो वापस जा चुके हैं। साइको उन्होंने आयुष को देख लिया, आसानी से उन्हें नॉक किया जाएगा। और करिश्मा आते ही शायद वो चले भी जाएंगे क्योंकि एचपी सारे ही खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा कम। और आप देखिए तो सही, ऐश उनके पास मौका बहुत ज्यादा, एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया और करिश्मा बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ। उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक तो किया, फिनिश करने की कोशिश थी, पर वहां पे कंपाउंड काफी बड़ा है। लेकिन ब्रूटल ईस्पोर्ट्स की तरफ चलिए, अब सिंसर के बचे हुए खिलाड़ी भी आते हुए ब्रूटल ईस्पोर्ट्स के जिगल को गोकू ने ओपनिंग बना के नॉक कर दिया है अब तीन में। और उनको पता है कि हाँ वो सामने वाला टीम एक खिलाड़ी को हमने नॉक करा है, अब तीन बचे रहेंगे तो आसानी से वो फाइट लिया जा सकता है। काने आए, उन्होंने एक और खिलाड़ी को नॉक किया और अब ब्रूटल के बस्ते मात्र दो खिलाड़ी। ऐश वो चाहते हैं फिनिशर्स निकालना, पर एचपी उनकी भी डाउन, उन्हें भी लेवल के द्वारा स्पॉट कर लिया गया। और देखते ही देखते ब्रूटल उनका एलिमिनेशन। फाइट लेने की कोशिश लूसियस के आखिरी खिलाड़ी सामने की तरफ, एडी ग्रेनेड लेके बढ़ तो रहे हैं और समय नहीं देंगे पाब्लो काउट को डाउन कर पाए। सैयद एचपी उनकी भी कम है, एडी के बहुत ज्यादा करीब, वो ग्रेनेड जा सकता है। डैमेज एडी को भी पड़ा, स्काउट उन्हें भी डैमेज पड़ा, पर प्राइम को देखिए वो आगे गए और उन्होंने एक बार फिर से स्काउट को देख लिया। प्राइम वहां पर डाउन किए जाएंगे, गाड़ी लेकर एडी आगे आए जरूर है, पर इन सबके बीच में सैयद वो पीछे थे। प्राइम थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गया, एडी एचपी बहुत कम, उन्हें भी डाउन किया जाएगा। पर देखते ही देखते डाक क्यों था, वो बचती है मात्र इकलौते खिलाड़ी के साथ। सैयद वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी समाप्त किया गया। इसलिए बेहतर है, पर डाक योद्धा इस मैच में बहुत शानदार वो खेल कर गए, अपने ही खिलाड़ी को उन्होंने नॉक कर दिया। और इसी तरीके से अगर आप जोन के बाहर आते रहे तो कम से कम फ्लेक्सी वो एक खिलाड़ी को तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। एक खिलाड़ी आया बाहर के साइड पे, फ्लेक्सी वो कोशिश करते हुए डीबीएस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक भी कर दिया था, पर दूसरे खिलाड़ी की मात्रा उनके पास कितना उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तक नजर डालते हैं कितनी टीम्स हैं जो शून्य पे एलिमिनेट हुई है, पड़ता नहीं है लेकिन बूट जैसे एरियाज है जहाँ पे सामने RYL वो खुद चले गए उनके गढ़ में। और देखते ही देखते वो खिलाड़ी दूसरे साइड से आ भी गया, हाइब्रिड वो भी वहीं पर आ गए, स्पैरो उन्हें भी डाउन किया जाएगा, जहाजी वो भी नॉक कर दिए गए। और देखते ही देखते RYL बचती है मात्र अब एक खिलाड़ी के साथ। पर इन सब के बीच में मैं देखना चाह रहा था नल वॉइड, क्या वो ऊपर आना चाहते हैं या फिर नहीं। पर आएंगे रॉबिन, एचपी धीरे धीरे कम हो रही है, गाड़ी आई है और उन्होंने लगाई तो सही पर स्काउट उन्होंने देख लिया रॉबिन को, पर पेन उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट में रॉबिन को समाप्त कर दिया। आज आप कह सकते हैं कि स्काउट का दिन तो नहीं था, इतने सारे नॉक्स पर फिनिशेस वो अभी तक निकाल नहीं पा रहे। निकाल सकते हैं एक फिनिश, फाइनली निकालेंगे एचआर के शॉक वेव। वो जोन के बाहर से आने की कोशिश करते हैं बट स्काउट ही इज ऑन फायर राइट नाउ, चार फिनिशेस वो यहाँ तो उनके पास जोन का एडवांटेज बन सकता है। बट लूसियस उनको अब भी जोन के अंदर आना बाकी, बहुत ज्यादा ओपन से वो खिलाड़ी भागता हुआ दिखाई दिया। वो जो स्मोक उन्होंने उतने दूर थ्रो किया था वो अपने क्लोज में ही थ्रो कर लेते उसके बाद अगर निकलते। और अब देखिए कि अब उनका खिलाड़ी है जो वहां पे स्मोक कर रहा था, ये चीज आप पहले कर सकते थे टीम से। और इस बार शायद एक बार फिर से वही गेम खेलते हुए दिखाई देंगे दक्ष, उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जरूर क्रिएट किया और उसके चलते थोड़ा बहुत शॉट्स दिए जरूर गए। रैबिटो बहुत ज्यादा ओपन में एक बार फिर से निकलते हुए दिखाई दे, स्काउट ओपी उन्होंने रैबिटो को देख लिया, बड़े आसानी से दक्ष के द्वारा वो खिलाड़ी समाप्त किया जाएगा। और ही वाला है देखिए मेजी, स्काउट का बैकअप मतलब अपोनेंट का बैकअप। इधर आड़ी वो भी आगे बढ़ते हुए एक फर्स्ट एड जरूर उन्होंने लगाई, उधर टच वहां पे डाउन करेंगे लियो को। स्काउट जोन के बाहर एक अलग रोल अदा करते हुए अपने टीममेट को कवर दे रहे थे, एक बहुत आसान चिकन टीम जीरो लेके जाते हुए गई है। क्या टीम जीरो टॉप पर होंगे? जी हाँ, क्या किया इस मैच के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा भी टीम, और उनके पास कितने अंक आपको दिखाई देंगे। हमें एक और कंफर्ट हुई लॉबी को, ये गलत डिसीजन हो सकता है बट फिलहाल के लिए टीम डॉन राइजिंग फाल्कन्स पे अटैक करती भी स्लैमिंग दिया है, कुछ नॉक्स इनकर किए हैं, एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद विंटेज जॉट लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बचाना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को, शॉट दे रहे हैं और मिलेगा ये कनेक्शन, मिलेगा ये फिनिश।
आरवीएनसी का स्क्वाड भी आ चुका है यहाँ पे, क्या बात है। ये मुश्किलों में डाला है एक थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पे बनता हुआ। आरवीएनसी सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने यहाँ पे आते हैं और शुरुआत देखी नीड के साथ कर रहे हैं, बट हाथ में नीड है और किस्मत में शायद नॉक लिखा था, नॉक हुए वहां पे वो खिलाड़ी। बट राइजिंग फाल्कन्स यूवी जोड़ एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी उम्मीद, एक 1v1 की बैटल, बट यहाँ पे सही समय रहते सही उपयोग कर रहे हैं अपनी यूटिलिटीज का और शॉट दिया जीरो ने, अपना कार्य भरपूर करके दिखाया। लेके रोटेशन भी आता हुआ, इटर्नल्स का स्क्वाड वहां पे इंतजार कर रहा है, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स का ग्रेनेड से उनका स्वागत करेंगे, लेकिन रैगनार थोड़ा सा समय लगा रुकने में, बट फिर भी रैगनार ने अपने को रिपोजिशन किया, लेकिन इनके ऊपर भी बुलेट्स का आक्रमण होता हुआ। रैगनार वहां से बच के निकलना चाहेंगे लेकिन कहां को जा रहे हैं, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स नहीं जाने देंगे, इटर्नल्स को जाके शट डाउन किया है और सर का नॉक एंड फिनिश की तरफ ही जाएगा। लेकिन आगे की तरफ हमें इंसैनिटी का स्क्वाड, जो फाइट बहुत समय पहले से हम इंतजार कर रहे थे, वो बनती हुई। सुल्तान को स्पॉट कर लिया गया, सेफ जाएंगे, उन्हें पता है सुल्तान को फिनिश करना बहुत जरूरी है। और देखिए जो मैं बात कह रहा था, सर्विद भी गए वहां पे और सर्विद बचाएंगे, अभी चल चुके हैं, एवरेज ऑलरेडी बन चुकी है और अब और आक्रमण की बारी। सेफ करेंगे इंसाफ, सेफ करेंगे साफ, एक एक करके प्लेयर्स को स्पॉट करते हुए, एक एक करके प्लेयर्स को खत्म करते हुए। बिग ब्रदर नाम की आंधी आई तो जरूर है, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए इंसैनिटी, कोशिश उनकी तरफ से, एक एचपी वो क्लच लाजवाब है बट उनकी तरफ से, बट बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स अपने पहले मुकाबले में वापस जब जीरो से शुरू कर रहे हैं तो वो एक चिकन। अब बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स वीर की तरफ बढ़ते हुए आखिरी खिलाड़ी कोशिश करेंगे शॉट देने की, लेकिन नहीं, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स को यह मंजूर नहीं था। नजर डालेंगे कि इंसैनिटी ने कितने अंक निकाले, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के कितने अंक, जो यहां पे 7 मस्केटियर्स हुए पायलट है इस जी हाँ, और देखते हैं कि क्या, देखना ये कि सही सलामत वो सर्कल के अंदर पहुंचते हैं या फिर नहीं। पर बीबी के खिलाड़ी उज़ुमाकी वहां पर डाउन किए गए और इन्होंने सीधा स्लैम कर दिया कंपाउंड के अंदर। कैप्टन दिक्कतें उनके लिए ही नहीं, वो खिलाड़ी आपको अंदर दिखाई देगा। एम्परर ऑलरेडी आ चुके हैं, ऋषि मोदी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। अच्छी खबर रहेगी बीबी के लिए क्योंकि उन्होंने पहला मैच अच्छा खेला, वो चिकन डिनर निकाल चुके हैं। अगर इस मैच में वो शून्य पर भी एलिमिनेट होते हैं, सेन की क्या इनसेन गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि 15 टीम 44 खिलाड़ी पांचवें फेज में, इसके बाद छठा फेज आने वाला है। इटर्नल वो बहुत ज्यादा ओपन में फंस गए, पर नहीं, ये शॉट साहब को कनेक्ट करने की जरूरत थी, ड्रैगो वो भी वापस स्पॉट किए गए इस वक्त मौजूद। देखिए परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके इरादों में ताकत है तो समहाउ आप अपनी जगह बना ही लेंगे। राइजिंग फाल्कन से तो अभी के लिए बना लिया, लेकिन फटा केस्टो की बात करें तो इसी बीच आरवीएनसी की तरफ बढ़ रहे थे कि वो देखिए परेश ने, चलिए 7 मस्केटियर्स के खिलाड़ी को तो एलिमिनेट किया, लेकिन एक और प्लेयर डाउन होता हुआ, आरवीएनसी का स्क्वाड ओपन में आ रहा है। टीम हाइनास के पास कवर है इस वक्त में भी, पर मैं देख रहा था जीरो वो बॉडी के अंदर चलते चले गए, वो रुक सकते थे, दूसरे साइड पे भी सर्कल के अंदर जाया जा सकता था। आकाश वहां पर मौजूद रहेंगे, माफ करिए अंश वहां पर मौजूद रहेंगे, दो फिनिशर्स निकाले गए, यूएमपी उनके पास है, क्लच अपनी टीम के लिए वो निकाल सकते थे, नॉक करे जाएंगे, पर दूसरा खिलाड़ी डीवीएस ने कर पहले से तैयार था, एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन कर दिया गया, एचपी बहुत ज्यादा कम, सुल्तान कमा, पर एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेगा, पर इन सब के बीच में यूवी जॉर्ड वहां पर स्मोक कर दिया परेश, वो ना जाएंगे ना जाने देंगे, और देखते ही देखते पैन वो सब का इस्तेमाल किया जाएगा, परेश सर्कल के बाहर समाप्त हुए, और देखते ही देखते बाकी जो दो खिलाड़ी थे वो यहाँ पे जोन के बाहर फंस गए, पर ये चीज जो उन्होंने स्मोक के साथ डालकर पहले किया था। स्टैंडिंग्स को पहले पायदान पे हमें नजर आएगी टीम आरवीएन, जानते हैं कि वहां पर कौन कौन सी टीम मौजूद है, आ चुके हैं कैंपोंग के इलाके पर मौजूद है, देखना है कि वो कौन खिलाड़ियों के द्वारा, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कुछ खास फायदा उनको मिल पाएगा। सुल्तान उन्होंने कहीं से तो देखा एक खिलाड़ी को ब्रोकन, उन्हें यहाँ पर नॉक किया गया, और अब आप देखिए कि आरवीएनसी ने पता है कि यहाँ वो जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ पर हो सकते हैं, डीपीएस का बढ़िया इस्तेमाल किया गया जीरो के द्वारा, और देखते ही देखते सेंटिनल्स जिनके पास एडवांटेज ज्यादा था वो एडवांटेज उन्होंने खो दिया, और अब बचे रहेंगे मात्र केवल दो खिलाड़ी। नॉक निकाल के उन्होंने फायदा दिखाया क्योंकि दूर का प्लेयर चला गया, बट सुल्तान अभी भी नॉक निकालने का मौका, बट वहां पे गलती करी उन्होंने, लेकिन पीछे से जीरो का कवर, शानदार डीबीएस के साथ नॉक फिनिश करते अपने अपोनेंट को वो नजर आए, लेकिन सेंटिनल्स ट्रिगर एक अलग दिशा, आखिरी खिलाड़ी ट्रिगर बचे हुए, जाते जाते अगर निकाल पाए तो उनके लिए बेहतर शायद डाल चुके हैं, बट आरवीएनसी रीसेट कितनी जल्दी उन्होंने कर दिया, बट 7 मस्केटियर्स अब उनका आगमन होता, वो आए और वो बिल्कुल छा नहीं पाए, वो आते ही गायब होते नजर आए, बाहर नहीं निकले, और अब तीनों प्लेयर्स यहाँ पे साफ बन के आगे गए थे, बट कॉटमैन डाउन उनको भी किया जाएगा, विंसेंस जो एक एक करके आएंगे, एक एक करके हिरोबी के बाहर हो जाएंगे, और यही होता नजर आ रहा है। गॉडविन वो ग्रेनेड जो उन्होंने पहले निकाला था उसे उन्हें थ्रो कर देना चाहिए था, पोजिशनिंग उन्हें पहले से ही पता थी,
पर देखते देखते वीक स्क्वाड उनका जो एलिमिनेशन है वो भी देखने को मिलेगा। और अब कैप्टन बचते हैं दो खिलाड़ियों के साथ, एम्परर वो भी तैयार रहेंगे। गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैफ उनको यहाँ पर डाउन कर दिया गया, डीबीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है, 1v2 का सिचुएशन। देखना ये जटरे क्या वो अपनी टीम के लिए क्लच निकाल पाएंगे या फिर नहीं, जाते जाते फिनिशर जरूरी है। जटरे तैयार है, डीबीएस का इस्तेमाल किया जाएगा पर रोक दिया गया। आई थिंक सैनोक में दो ही टीम्स थी जिन्होंने पूरा, और जानते हैं कि बाकी कौन सी टीम रहेगी जिन्हें अच्छा खेलना था में और कौन टॉप 7 के बाहर। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स उनके 66 अंक वो टॉप पे बट सीधा चलते हैं सातवें पायदान पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, टेक केयर।